हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घी के फ़ायदे के बारे में, जो कि हम बात कर रहे हैं देसी घी के बारे में। अब से कुछ साल पहले तक अगर हम ध्यान करें पुरानी चीज़ों को, तो घर में हम लोग दाल सब्जी सब में, या खिचड़ी हम खा रहे हैं तो सभी में घी डाल के खाया करते थे, या चपाती पर भी घी लगाया करते थे। धीरे धीरे जो एक एडल्ट एज में जाकर ये चीज़ें लोग कम करते थे कि घी के बिना चपाती खा रहे हैं या दाल सब्जी में घी नहीं खा रहे हैं, लेकिन आजकल क्योंकि लोग ज़्यादा अपना वेट लॉस की तरफ ध्यान कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगने लगा है कि देसी घी में कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं है, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो आजकल लोगों की प्लेट से घी बिल्कुल गायब होता जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आज इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करूँगी। एंड जब हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि देसी घी हमारे लिए कितना हेल्पफुल है हमारे को हेल्दी रखने के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझें कि कैसे बनाते हैं हम देसी घी। जो बटर होता है मक्खन, उसको जब हम मेल्ट करते हैं एंड उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो निकल जाते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट गोल्डन लिक्विड हमारे पास आता है, जिसको कि हम घी कहते हैं, देसी घी कहते हैं। घी का स्मोकिंग पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारे इंडिया में जो हमारी कुकिंग है उसमें ज़्यादातर हम फ्राइंग करते हैं, तलते हैं, और हाई हीट पर कुकिंग होती है, मतलब बहुत तेज फ्लेम पर हम कुकिंग करते हैं। तो हमारे इंडियन कुजीन के हिसाब से बेस्ट है कि हम घी में अपना खाना बनाएं या फ्राइंग करें। अब हम देसी घी की और बहुत सारी क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि हम एक बुराई की तरह लेते हैं कि देसी घी खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो बिल्कुल इसके उल्टा है। जब हम देसी घी को अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं, तो जो बाइलरी लिपिड है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में और हमारी इंटेस्टाइन में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, उसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ कि ये हमारी बोन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि घी में विटामिन K2 मिलता है। विटामिन K2 क्या करता है कि बोन्स में कैल्शियम को पहुंचाता है, एंड हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बोन की हेल्थ के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, तो हमारी बोन हेल्थ के लिए भी देसी घी बहुत अच्छा है। और हम अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी, और हम बहुत जल्दी कोई बीमारी को नहीं पकड़ेंगे। हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, तो वो एक ग्लास दूध में एक टीस्पून घी डालें और थोड़ी सी मिश्री डालकर पिएं, रेगुलर जब वो इसको लेंगे, तो डेफिनेटली जो उनकी वीकनेस है वो कम होते चली जाएगी। ये हमारे डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है। घी में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, उसको ड्राई नहीं होने देते, हमारी स्किन को ग्लोइंग रखते हैं। अपनी एक पहली वीडियो में मैंने डिटेल डिस्कस किया था घी के यूज़ हमारी स्किन के लिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ जाकर उसको ज़रूर चेक कीजिए। घी हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को फ्लश आउट करता है, मतलब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एजिंग के लिए, एंड हमारी जो भी डीजेनरेटिव चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं उनके लिए। जब ये फ्री रेडिकल्स फ्लश आउट हो जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब कि एक हमारी बॉडी में एजिंग हो रही थी, हमारे शरीर में चीज़ें टूट फूट रही थी, वो या तो रुक जाती हैं या वो थोड़ा डिले हो जाती हैं, जिसका कि एक बहुत बड़ा कारण बनता है अल्जाइमर की प्रॉब्लम। तो हम इनडायरेक्टली यहाँ ये समझ सकते हैं कि घी के सेवन से हमारे अल्जाइमर की प्रॉब्लम के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
अब इतनी सारी बातें करने के बाद हम यहाँ ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हमें कितना घी हर दिन में खाना चाहिए। तो हमें दिन में 3 टीस्पून, छोटे चम्मच जो होते हैं वो हमें दिन में 3 चम्मच लेने चाहिए। अब इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारे तीनों मील होते हैं, तीनों खाने की, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों में एक एक चम्मच घी अगर हम लेंगे तो अब वो चाहे हमारे सब्ज़ी में जा रहा है, चाहे दाल में हम उसको ऊपर से डाल रहे हैं, या हम चपाती पर लगा रहे हैं, हमारे लिए वो हमारी हेल्थ के लिए सफिशिएंट है। ऐसा भी नहीं कि हमें घी बहुत ज़्यादा खाना है तो डेफिनेटली उसका एक निगेटिव इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। और अगर कोई ये बात करे कि बेस्ट यूज़ कैसे होगा घी का, तो उसके लिए हम एम्प्टी स्टमक, सुबह खाली पेट अगर 1 चम्मच घी लेंगे तो जितने भी हमने अभी यूज़ या क्वालिटीज़ घी की डिस्कस की हैं वो सभी हमें मिलेंगी। आई थिंक अब हम इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि घी हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी। यहाँ लेकिन ये बात भी ज़रूर ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 3 टीस्पून से ज़्यादा घी नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट या बुरे इफ़ेक्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आपने घी खाना बिल्कुल छोड़ दिया था तो प्लीज़ घी को फिर से अपनी डाइट में एक मॉडरेट अमाउंट में एड ऑन कीजिए और इस जानकारी को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। हमारी ऐप डिवाइन केयर के नाम से है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। सारी वीडियोस आपके हमारी ऐप पर मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ऐप का जो लिंक है और वेबसाइट का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।